बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुबारक अली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के करम और फ़ज़ल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूं, ये मेरी पहली कैनन M50 पे है और ये आउटडोर शूट है। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस के आंसर दिए थे वो मैंने बनाई थी इस कैनन M50 पे, और आप लोगों ने मुझे ज़रूर रिप्लाई में बताना है कि इस वीडियो का रिज़ल्ट कैसा रहा और वॉइस क्वालिटी कैसी रही। वो मेरा बेटा, उसे बहुत शौक है कैमरे में आने का। वो मुझे कह रहा था जी नया जो कैमरा लिया मेरी वीडियो जल्दी से बनाए, तो वो बाग में भाग गया, अभी आने लगा। तो ये देखें ये आ रहा है। तो ये आ गया जी मेरे पास। कैसी आ रही है तस्वीर आपकी? ठीक। बहुत प्यारी। हाँ। बहुत प्यारी। हाँ। बहुत प्यारी है। बताओ मेरी तस्वीर बहुत प्यारी आ रही है। तस्वीर बहुत प्यारी आई है। जोर से बोलो ना। तस्वीर बहुत प्यारी आई है। ओह वेरी गुड। तो जी अभी हम जा रहे हैं अबू जान के साथ खेतों में। पीटर चलाना था तो वो मुझे कह रहे थे जी कि आप आए पीटर लेके। तो मोहम्मद शाफ और मैं दोनों जा रहे हैं जी पीटर लेके खेतों में, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रकबा थोड़ा कम है उसके लिए हमने जनरेटर लगाया हुआ है। तो जनरेटर जो है वो हम उतार के ले आते हैं, अभी जाके उसे फिट करेंगे और फिट करने के बाद दोबारा चलाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये जनरेटर था जो हमने रख लिया है, और ये बाकी चीज़ें जो है वो मेरा बेटा उठा के ले आया है, वो इसमें रेडी में रख रहा है। कई खुरपा और ये कई रेडी चला लोगे? हम लोग जो है वो खेतों में पहुंच गए हैं, और अभी हमें नीचे उतरना है रोड से खेतों की तरफ। ये रेडी है, मोहम्मद शाफ अंदर बैठा हुआ है। अबू जान खेतों में हमसे पहले ही आए हुए हैं, क्योंकि बाजरे की कटाई शुरू करवाई हुई है। तो अबू जान जो है वो बाजरे की कटाई करवाने के लिए पहले ही आए थे सुबह से। मैं अभी नाश्ता करके सामान लेके आया हूँ। तो अभी हम सबसे पहले जो है ये रेडी खाली करेंगे, क्योंकि नीचे उतारने के लिए से पहले सारा सामान नीचे उतारना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम नीचे उतार के से दोबारा इसके ऊपर सामान रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उतारते है मेरे अबू जान, ये है मेरे चाचू जान, ये है मेरे अबू जान, ये है मेरे चाचू जान। चलो चलो।
खेत में जो है वो जनरेटर लेके जाने के लिए हमें रास्ते में जो है ना यहाँ पे एक दफ़ा उतारना पड़ता है, फिर यहाँ से हम नीचे उतार के रेडियस पे लाते हैं और फिर इसके बाद लेके जाते हैं। तो इमाम शाह भी आ गए, अबू जान भी आ गए। तो ये देखें दोबारा जो है वो सामान हमने इसमें लाद लिया और अभी हम खेत में जाएंगे। खेतों की जो ब्यूटी है ना, सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें माशाल्लाह, हर चीज़ जो है वो बड़ी खिली और निखरी सी नज़र आती है। जो जो चीज़ें जो है वो हमें आम रूटीन में देखने में खूबसूरत नज़र नहीं आती, मगर उन्हें हम कैमरे की आँख से देखें तो बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। तो ये देखें खेतों में से हाथों के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है लग जाती हैं, मुख्तलिफ कलर की पौधों के ऊपर जो होती हैं। ये देखें, अभी जो है वो मैं आपको एक खेत में से मिली इतनी प्यारी सी चीज़ दिखाता हूँ, जिसके कलर आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि ऐसे कलर भी जो हैं वो कुदरत ने बनाए हुए हैं जो हमारी नज़र में से नहीं गुज़रते। तो ये देखें, ये मैंने एक कीड़ा पकड़ा है और इस कीड़े के कलर जो हैं वो देखें, कुछ भी बता और वो उड़ गया और इतने प्यारे कलर थे इसके, ब्लू और ग्रीन, ग्रीन कलर में जो है ब्लू का शेड दे रहा था, बहुत ही प्यारा, उड़ गया, बहुत ही प्यारा था। और पसीना जो है वो आ गया क्योंकि काफ़ी खेतों में से गुजर के जो है वो हम अपने खेत में पहुंच चुके हैं और अभी हम जो है जनरेटर को फिट करते हैं। तो आइए, तो मोहम्मद शाह जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो ये बोर है जी जिसके ऊपर हमने पहले इसको खोलेंगे, ऊपर से जो प्लेट लगाई हुई है। ये देखें जी, मोहम्मद शाह ने पता नहीं क्या ढूंढा खेतों में से, क्या कुछ ढूंढा आपने? इस वो जो है ना जिसका वो कढ़ाई, वो जो होता चूल्हे तरह का वो है, चूल्हे तरह का वो है। हाँ। सही है, नाराज हो गया क्योंकि इसे जरा चोट लगी है। कहाँ चोट लगी है वो तो दिखा दो ना। नहीं लगी कोई, ठीक हो गया। अच्छा कहाँ लगी है देखना, भी जोड़ना मुझे, जिन्हें जोड़ना बताएं कैसे जोड़ना, बताना मुझे कहाँ चोट लगी है। अभी ये साफ दिखाओ, ज्यादा तो नहीं लगी, इसमें मिलाने हैं। इधर तो दिखा दो कैमरे की तरफ, ज्यादा तो नहीं लगी चोट, दिखाना इधर को। नहीं जी वो रूठ गया। तो यहाँ से हमने खोले हैं पेच और अभी उसके ऊपर हम रखेंगे जनरेटर, ये देखें जी माशाल्लाह, इधर को तो देखो,
अच्छा ही ऐसे में कारी है बढ़िया लगी पालक ये बताओ पालक दिया बढ़िया दिया हाँ नहीं तो ठीक हो कोई नहीं ज़्यादा नहीं लगी तो जी अभी थोड़ा सा मूड सेट हुआ है मुमशाह का आज जो है ना वो हमारा कैमरा मैन इधर नहीं है, आज वो कहीं गया हुआ है, तो इस वजह से वीडियो जो है वो हम खुद ही शूट कर रहे हैं। तो कौन सा कैमरा? कैमरा मैन चाचू अजमत। ये दादा से खोल रहा नहीं है, ये अब ये दादा जो है इससे खोलने लगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे जी पेट्रोल। सबसे पहले पेट्रोल में डलता है, पेट्रोल बना डालने के लिए ना जो हमने पीप इसे हम बोलते हैं पी। तो हम ये हमने ये बोतल को काट के बनाई है, इसके जरिए डालेंगे क्योंकि इसे बाद में हम खेतों में छोड़ जाते हैं, साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डालें जी तेल। अब हम तेल ट्रोल डाल के अब इसको हम चलाते हैं, जब नहीं चलेगा दादा उसे तो फिर मेरे अबू चले। ये जी पेट्रोल जो है वो हमने डाल दिया इसमें, पेट्रोल। तो पानी निकालने के लिए ज़मीन से पहले इसमें पानी डालना पड़ता है जनरेटर में, तो ये अभी इसमें पानी डालने लगे हैं। इस तरह ये इसकी नाब बनी हुई है, यहाँ से खोलेंगे और इसके अंदर जो है वो पानी डाल लेंगे। हीटर को चलाने के जनरेटर को चलाने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल की भी और पानी की भी। पेट्रोल जो है इसको चलाने के लिए और पानी जो है इसका पानी निकालने के लिए। यहाँ से जब पानी डालता है जब फुल हो जाता है तो फिर पता चल जाता है जी यहाँ से पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये देखें अभी जो पानी है वो इजाफी हो गया। तो अभी जो है वो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसे हम ऑन करेंगे और इसकी चोक और पेट्रोल जो है वो चोक और पेट्रोल और रेस जो है वो हमने ऑन कर लिया और अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं।
ये जो मुंजी का खेत है ये हमारा है, वो वहाँ तक, और हो सकता है ये आज का दिन जो है इसमें पानी सारा ना लग सके और कल का दिन भी हमें आना पड़े और पानी लगाना पड़े। तो अभी हमने जो है वो सारा दिन यहीं पे बिताना है, तो देखते हैं कि कितनी देर में ये काम जो है वो मुकम्मल होता है। तो चावल की फसल जो है ना वो हमारी तकरीबन तैयार है, बस चंद दिनों की बात है और यही पानी जो है इसको लगाएंगे, इसके बाद जो है इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। तो पानी जो है वो इसलिए लगा देते हैं एंड पे ताकि दाने जो हैं वो ज़रा अच्छे मोटे हो जाते हैं और दाना जो है वो अच्छा वज़न पकड़ता है। ये जो है ये हमारी देहात की लाइफ है और ज़िम्मेदारों के इस तरह के काम होते हैं कि दिन में जिस काम को शुरू किया दिल चाहे पूरा दिन, बल्कि कई दिन उसी काम में गुजर जाएँ। ये हमारे पीटर की आवाज आ रही है और हम लोग अब जा रहे हैं घर। आइए ये चलते हैं, बाद में हम लोग उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? कुछ कहीं भी नहीं जाना। नहीं तो जी, हम लोग उन्हें घर जाना। मोहम्मद शाह कह रहे हैं कि अभी मैंने घर जाना है, टाइम काफी हो गया। थक गए हो? हाँ। बहुत थक गए हो? हाँ। सही, आप भी थक गए हो? नहीं, मैं तो नहीं थका। मोहम्मद शाह जो है ना वो थक गया और अभी कह रहा है जी मुझे घर छोड़ें, तो अभी हम जा रहे हैं घर को इसको छोड़ने के लिए और उसके बाद हम दोबारा आएंगे खेत में। आज का दिन जो है हमारा इधर ही गुजरेगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालदैन का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, सदा खुश रहें, अल्लाह हाफिज।